नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। मई महीने के अंतिम दिन भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव किया है। पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 94.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85.15 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि एक दिन पहले यानी 30 मई को घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने दोनों ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती नहीं की थी। पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं होने से घरेलू बाजार में भाव स्थिर रहे, जबकि शनिवार को पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। आज से पहले मई महीने में 15 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, जिसमें पेट्रोल 3.59 पैसे प्रति लीटर और जबकि डीजल 4.13 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत पर भी कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि संक्रमण की इस दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर 1,75,000 आ गया है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 8% पर आ गई है, जिसे लगातार और नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर दूसरे देशों से भारत की तुलना करें तो इस कुल मरीजों की संख्या में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है। एक्टिव केस मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यानी भारत ऐसा देश दूसरा है जहां सभी अभी फिलहाल सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित है। वहीं अभी भी दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.16% है, जबकि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 8% से कम हो गए हैं। आज यूपी सरकार की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक यूपी बीजेपी और संगठन के बीच होगी। बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है और साथ ही साथ सुनील बंसल और स्वतंत्र देव भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है, फिर भी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही। अब बेड या ऑक्सीजन तो मिल जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में भारी भरकम बिल के आगे लोग बेबस हो जा रहे हैं। ऐसा ही मामला उन्नाव के अनिल कुमार के साथ हुआ। अनिल की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन बिल ना चुकता करने के कारण अस्पताल शव नहीं दे रहा है। बता दें कि उन्नाव के रहने वाले अनिल कुमार की पत्नी का लखनऊ के टेंडर पाम हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज चल रहा था। निजी हॉस्पिटल ने पीड़ित को 19 लाख का बिल थमाया, जिसमें से 8 लाख जमा भी कर दिए गए, लेकिन अभी 10,75,000 रुपए बकाया है। इस बकाए के कारण पीड़ित की पत्नी का शव देने में अस्पताल आनाकानी कर रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में टेंडर पाम नाम का निजी अस्पताल है, जिसमें पीड़ित ने अपनी कोरोना पीड़ित पत्नी को एडमिट कराया था। परिजनों का आरोप है कि टेंडर पाम हॉस्पिटल ने जबरदस्ती उन्हें 19,20,000 रुपए का बिल दिया, जिसमें से उन्हें 8.85 लाख जमा भी कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि रविवार को मेरी पत्नी की मौत हो गई, इसके बाद मैंने अपनी पत्नी का शव मांगा तो वो बकाया पैसे मांगने लग गए, जो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन अस्पताल 10.75 लाख रुपए मांग रहा है। अनिल के ने लखनऊ के डीएम से शिकायत भी की है। इस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
दिल्ली में आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत दी गई। हालांकि दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते भी बंद रहेगी। गैर जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू पहले की तरह 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा। फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई पास लेना जरूरी है। कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर मालिकों को ई पास की अप्लाई करना होगा। बता दें कि डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि अपूर्व इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक साथ सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया जा सकता। अलग अलग टाइमिंग होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। बता दें कि इसमें कर्मचारियों को ही काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीमें देखेंगी कि सभी नियमों का ठीक से पालन हो। नियम उल्लंघन करने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बंद किया जा सकता है और डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में 2 दिन की देरी हो सकती है। राज्य में अब इसके 3 जून तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को ये जानकारी दी। हालांकि निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट वेदर ने कहा कि मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। मौसम विज्ञान के अध्यक्ष ने कहा कि इस साल मानसून की शुरुआत बहुत कमजोर है। स्काई मेट वेदर ने इससे पहले पूर्वानुमान जताया था कि मानसून केरल में 30 मई को दस्तक देगा। मानसून विभाग के महानिदेशक ने कहा कि कर्नाटक तटीय इलाके में चक्रवाती परिसंचरण से दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना बाधित हुआ है। विभाग ने कहा कि 1 जून से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकती हैं, जिसके चलते केरल में बारिश संबंधी गतिविधि में तेजी आ सकती है। लिहाजा केरल में 3 जून के आसपास मानसून की शुरुआत होने की उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को काल के अंधेरे में ढकेल दिया था। हर रोज हजारों मौतें, हर दिन बढ़ते मामले सरकार की मुश्किलों को और बढ़ाकर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हर रोज हाईकोर्ट और मीडिया द्वारा सरकार की फजीहत हो रही थी, लेकिन इससे इतर कोरोना जैसी बीमारी से खुद ग्रसित हुए यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और लगातार एक के बाद एक कड़े कदम उठाकर यूपी को फिर से अंधेरे से वापस लाकर सूरज की रोशनी में खड़ा कर देते हैं। तो चलिए आप भी देखिए कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को काबू में लाया और आलोचना करना, विरोध करने वालों को किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में कैसे सीएम योगी ने अपने हाथों में कमान संभाल कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल आप डालिए नजर सीएम योगी के इस ताबड़तोड़ एक्शन प्लान पर कोरोना के खिलाफ। लेकिन मुझे उससे पहले दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाएगा, कोरोना काल पर योगी का ये एक्शन मोड आप भी देखिए। साल 2017, पार्टी बीजेपी, जो करीब 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद सत्ता में वापस आई थी, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां का राजनीतिक गुड़ा भाग करना हर किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी के सामने थी सत्ता में बैठी सपा के रूप में एक बड़ी चुनौती, लेकिन हर चुनौती का सामना करके और हर मुश्किलों को पार कर आखिरकार बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी होती है। फिर चलता है सीएम के दावेदार को लेकर मंथन। पार्टी के सामने मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम फेहरिस्त में होते हैं। लेकिन खैर, जिस बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है, उसने ठीक कुछ ऐसा ही किया। उसने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर के मठ में महंत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें सौंपा गया यूपी का विशाल साम्राज्य। मैं आदित्यनाथ योगी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। कई सालों बाद सत्ता में बीजेपी और योगी के सामने वैसे भी कई बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती योगी के सामने तब आ गई जब चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा था, लेकिन योगी तो खैर योगी है, वो कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने युद्ध स्तर की तैयारियां करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए। पिछली लहर या यूं कहें कोरोना का भारत में आगमन, तब भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर जरूरी कदम उठाए थे और प्रवासी मजदूरों को भी हर संभव मदद प्रदान की थी। कोरोना ने जब थोड़ा राहत दी तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं रुके, उन्होंने आगे की तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। फिर आती है दूसरी लहर जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यूपी में हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर रोज हजारों मौतें हो रही थी और लाखों में रोजाना के मरीज आ रहे थे। लाचारी और बेबसी का वो आलम था कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। हर तरफ भय और डर का माहौल था, तबाही का मंजर सामने था। अस्पतालों के बाहर लोग तड़प रहे थे, सवाल कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से कि आखिर हमारी गलती क्या है। ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस और मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं। मंजर ये था कि उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों की चर्चा और भारत में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। हर रोज उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया चैलेंज देखने को मिलता था और हर रोज योगी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार हर दिन सवालों के कटघरे में खड़ी होती थी। फिर भी योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। तमाम आलोचनाओं को परे रख उन्होंने हर वो कदम उठाया जो यूपी की खुशहाली के लिए जरूरी था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना डरावना रूप दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थी, इसके आग की आंच समूचे भारत में दिखाई दे रही थी। शमशान घाटों पर जगह न मिल पाने और लाशों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के लिए योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई, लेकिन सरकार का केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह मौत के आंकड़ों और रोजाना मरीजों की संख्या में किसी तरह लगाम लगाया जाए। कोरोना ग्रसित भी हुए सीएम। यूं तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसे हो जाए वो काफी डर जाता है और उससे अगर बच भी गया तो वो घर में सिर्फ आराम करता है, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब ये बीमारी हुई और जब वो इससे बाहर निकले तो वो फौरन लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार किए जा रहे COVID-19 सेंटर की प्रगति का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। कई जिलों में कोविड सेंटर के निर्माण के दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO लखनऊ में 450 बेड्स की क्षमता वाले कोविड सेंटर का निर्माण करवाया। इसके अलावा वाराणसी में 750 बेड्स के एक सेंटर का निर्माण किया गया। लखनऊ के अवध ग्राम में इस सेंटर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह यूपी के कई जिलों में कोविड सेंटर का सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। अस्पतालों में 33,000 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा था।
ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, योगी आदित्यनाथ ने इन कमियों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से मीटिंग्स का दौर स्टार्ट किया। हर रोज अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने लगे। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 33,000 बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। गांव पर विशेष निगरानी के दिए आदेश। पंचायत चुनाव, या यूं कहें एक बहुत बड़ी आफत जिसको लेकर योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई, वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए थे। गांवों में संक्रमण का फैलने का मुख्य कारण पंचायत चुनाव रहा। सीएम योगी ने गांवों में विशेष स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग अभियान को और तेजी से चलाने का आदेश दिया। इसके लिए प्रत्येक दशा में सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में आरआरटी का गठन किया गया। लगातार दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे आ चुके हैं। वो फ्रंट में खड़े होकर कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी अब तक यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में जाकर कोविड सेंटर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में जाकर कोरोना की स्थिति पर बारीकी से जायजा लिया है। युवाओं को वैक्सीन लगाने में यूपी अव्वल। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा युवाओं को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरी लहर की आशंका के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभियान को विस्तार करने और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को जल्द से जल्द टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं। कोविड टीकाकरण में आगे की भूमिका निभाते हुए राज्य ने अब तक टीके की 1,62,16,379 खुराकें दी हैं। इनमें से 1,28,74,451 ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और लगभग 33,41,928 को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गई है।